नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। मदन एक होटल में खाना खाने गया। जब वेटर ने उससे पूछा, श्रीमान आप क्या खाना चाहते हैं, तब मदन ने उत्तर दिया, खाने की कोई भी चीज ले आओ। वेटर चकरा गया और उसने फिर से पूछा, क्या आपके लिए कुछ भी ले आऊं? मदन ने फिर से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ भी ले आओ। क्या आप इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं, जब मदन अस्पष्ट जवाब दे रहा है और वेटर को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए? आपको अभिनय द्वारा बताना है कि आगे क्या हुआ होगा। धन्यवाद। मदन बहुत भूखा था और समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या खाना चाहिए। अगर उसे पता ही ना हो कि उसे क्या खाना है, तो आगे क्या होगा? हो सकता है कि वेटर उसे खाने की चीजों की सूची लाकर दिखाए और उसमें से कुछ चुनने को कहे, या फिर यह भी हो सकता है कि वेटर कोई ऐसी चीज ले आए जो मदन को पसंद ही ना हो। यह भी हो सकता है कि वेटर इस चर्चा को आगे बढ़ाता रहे और खाना लाने में देर हो जाए। ऐसी स्थिति में मदन को खाना नहीं मिलेगा और उसे गुस्सा आएगा। अगर हमें पता ही ना हो कि हमें क्या चाहिए या हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हमें वह चीज उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह हम चाहते हैं। यह कोई लक्ष्य नहीं बल्कि कोई इच्छा भी हो सकती है। उदाहरण के लिए एक लेखक कहता है कि मैं 10 साल में एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूं। इससे हमें क्या पता चलता है? उसने विशिष्ट और स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि वह किस क्षेत्र में लेखक बनना चाहता है, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, इतिहास इत्यादि। बहुत अच्छा का क्या अर्थ होता है, यह भी स्पष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है, ज्यादा स्पष्ट लक्ष्य क्या हो सकता है? मैं 10 सालों में हिंदी के 2 उपन्यास प्रकाशित करना चाहता हूं, यह ज्यादा स्पष्ट है। लक्ष्य एक खास उद्देश्य होता है जिसे पूरा करने के लिए हम कुछ काम करते हैं। यह जरूरी है कि हमें निश्चित रूप से यह पता हो कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। यहां पर लक्ष्य से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। आपको इन कथनों को विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्यों के रूप में लिखना है, ठीक है? लक्ष्य: मुझे अच्छी तरह नृत्य करना सीखना है। मुझे एक डिग्री लेनी है। मुझे अपनी भाषण देने की योग्यता को सुधारना है। क्या अब हम आपके जवाब देख लें? अस्पष्ट लक्ष्य विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य: मुझे अच्छी तरह नृत्य करना सीखना है। मुझे राजस्थान के लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने चाहिए। मुझे एक डिग्री लेनी है।
मुझे इतिहास में एक डिग्री लेनी चाहिए, मुझे अपनी भाषण देने की योग्यता को सुधारना है, मुझे अपनी भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने 15 मिनट तक भाषण दे सकूं। क्या आप अपना विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य लिखकर हमें बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब हम लक्ष्य बनाने के अगले भाग के बारे में बात करते हैं। गर्मी की छुट्टियों के दौरान काजल 10 नए शाकाहारी पकवान बनाना सीखना चाहती थी। उसने उन पकवानों की सूची बनाई। उसकी माँ ने उसे वे पकवान बनाना भी सिखाया। बाद में उसने वे पकवान अकेले बनाए और वह 10 में से 8 पकवान अच्छी तरह बना पाई। किसी वजह से वह 2 पकवान अच्छी तरह नहीं बना पाई। क्या काजल ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया? काजल ने कितना लक्ष्य प्राप्त किया? काजल का लक्ष्य था 10 पकवान बनाना और वह 8 पकवान बना पाई। तो हम कह सकते हैं कि उसने जो तय किया था उसके आधार पर वह 80% लक्ष्य पूरा कर पाई। लक्ष्य तय करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि विशिष्ट और स्पष्ट होने के साथ साथ उसे मापा भी जा सके। उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट, स्पष्ट और मापा जाने वाला लक्ष्य यह होगा कि अगली परीक्षा में मुझे सभी विषयों में 75% अंक प्राप्त करने हैं। अगर आप यह कहेंगे कि अगली परीक्षा में मुझे अच्छे अंक लाने हैं, तो यह विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य नहीं कहलाएगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य को मापा जा सके। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे मापा जा सके। अब एक क्रियाकलाप का समय है। नीचे कुछ लक्ष्य दिए गए हैं जिन्हें हमने विशिष्ट और स्पष्ट कथनों के रूप में लिखा था। अब आपको इन्हें इस तरह लिखना है कि इन्हें मापा जा सके। मुझे राजस्थान के लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने चाहिए, मुझे इतिहास में एक डिग्री लेनी चाहिए, मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने भाषण दे सकूं। धन्यवाद। क्या अब हम जवाबों पर नजर डालें? विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य, विशिष्ट, स्पष्ट और मापने वाले लक्ष्य। मुझे राजस्थान के लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने चाहिए, मुझे राजस्थान के 2 लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने हैं, मुझे इतिहास में एक डिग्री लेनी चाहिए, मुझे इतिहास में BA की डिग्री लेनी है, मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने 15 मिनट तक भाषण दे सकूं। मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने 4-5 मिनट तक लगातार भाषण दे सकूं। अब क्या आप अपने विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य को ऐसे रूप में लिख सकते हैं कि उसे मापा जा सके?
बहुत बढ़िया। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? लक्ष्य विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसे मापा जा सके। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि लक्ष्य विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसे मापा जा सके। आइए अब लक्ष्य बनाने के तीसरे हिस्से के बारे में जानते हैं। कार्तिक एक मशहूर खिलाड़ी है, वह दौड़ और तैराकी में बहुत अच्छा है। उसके कंधे में चोट आ गई थी जो हाल ही में ठीक हुई है। अगले सप्ताह उसे अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेना है। उसने यह लक्ष्य रखा है कि वह दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतेगा, पर दुर्भाग्यवश वह तैराकी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। वह बहुत हतोत्साहित हुआ। इस परिस्थिति में समस्या क्या है? कार्तिक के साथ समस्या यह है कि बुरे प्रदर्शन की वजह से वह हतोत्साहित हो गया। उसका लक्ष्य अनुचित था, इसलिए उसे निराश होना पड़ा। उसने इस बात को ध्यान में रखा कि हाल ही में उसे चोट लगी थी। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य साध्य यानी कि प्राप्त किए जा सकते हैं या नहीं। हमें यह देखना चाहिए कि हमने जो लक्ष्य रखा है वह साध्य है या नहीं, और उसे किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य साध्य होना चाहिए। क्या अब हम लक्ष्य बनाने के अगले चरण पर जाएं? आइए मीना की परिस्थिति के बारे में सुनते हैं। मीना का लक्ष्य है अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना, और 50 साल की उम्र से पहले एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाना जो सूर्य पर जा सके। आप इस लक्ष्य के बारे में क्या सोचते हैं? सही कहा, हम में से कुछ लोग जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो असंभव और वास्तविकता से दूर होते हैं। खुद की योग्यता को जांचने के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाना अच्छा होता है। ऐसे लक्ष्य निश्चित होते हैं और मापे जा सकते हैं। अंतरिक्ष यान बनाना भी साध्य लक्ष्य है, पर यान को सूर्य पर भेजना वास्तविक नहीं है। इसी तरह अगर इतिहास का स्नातक विद्यार्थी अगर 3 वर्षों में एलोपैथी का डॉक्टर बनना चाहे तो क्या यह वास्तविक होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य केवल विशिष्ट, स्पष्ट, मापने योग्य और साध्य नहीं, बल्कि वास्तविक भी होने चाहिए। हम जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में वास्तविकता से सोचना आवश्यक है। लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप। हमने जो लक्ष्य पहले लिखे थे उनमें थोड़ा परिवर्तन करना है। क्या आप इन लक्ष्यों को ध्यान से पढ़कर बता सकते हैं कि ये साध्य और वास्तविक है या नहीं? विशिष्ट, स्पष्ट, मापने योग्य लक्ष्य।
मुझे राजस्थान के दो लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने हैं। मुझे अपने 10वें जन्मदिन के पहले इतिहास में बीए की डिग्री लेनी है। मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ भीड़ के सामने 4-5 मिनट तक लगातार भाषण दे सकूं। राजस्थान के लोक नृत्य सीखना और कई लोगों के सामने 3-5 मिनट तक भाषण देना वास्तविक लक्ष्य है, पर 10वें जन्मदिन के पहले इतिहास में बीए की डिग्री लेना आम लोगों के लिए वास्तविक लक्ष्य नहीं हो सकता। क्या आप यह देख सकते हैं कि आपका विशिष्ट, स्पष्ट और मापा जाने वाला लक्ष्य साध्य और वास्तविक है या नहीं? बहुत बढ़िया। क्या अब हम लक्ष्य बनाने के चौथे भाग के बारे में जानें? मनु को दो भाषाएं आती हैं, हिंदी और अंग्रेजी। उसे कोलकाता में एक नौकरी मिली। वह बंगाली सीखना चाहता था, पर वह कुछ ही शब्द सीख पाया। इसलिए उसे वहां के लोगों से बातचीत करने में परेशानी होती थी। उसके दोस्त ने उसे कहा कि जब तक वह नई भाषा सीखने का एक समय तय नहीं कर लेता, तब तक वह नहीं सीख पाएगा। अपने दोस्त की सलाह मानकर मनु ने यह तय किया कि अगले 3 महीनों में वह बंगाली के ऐसे वाक्य सीख लेगा जो रोजमर्रा की बातचीत में काम आते हैं। उसने अपने लक्ष्य की तरफ काम करना शुरू कर दिया। हमें इससे क्या सीख मिलती है? कोई भी लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होता है जब उसे निश्चित समय में पूरा किया जाए। अगर आप लक्ष्य के लिए कम समय रखेंगे तो शायद उसे प्राप्त करना नामुमकिन हो जाए। बहुत ज्यादा समय देने से यह हो सकता है कि आपको लक्ष्य प्राप्त करने में कोई रुचि ही ना रहे। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि अगर कोई चीज बहुत जरूरी ना हो तो वह उसे टालता रहता है। लंबी अवधि का लक्ष्य कई छोटी अवधि के लक्ष्यों से बना होता है जो कि निश्चित और मापने योग्य होते हैं। इसलिए प्रत्येक लक्ष्य में समय की अवधि होना आवश्यक है। लक्ष्य समयबद्ध होना चाहिए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको वे लक्ष्य याद हैं जिन्हें हम बार बार लिखते रहते हैं? अब आपको उन लक्ष्यों को एक समय अवधि देनी है। क्या आप तैयार हैं? विशिष्ट और स्पष्ट, मापने वाले, साध्य, वास्तविक लक्ष्य। मुझे राजस्थान के दो लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने हैं। मुझे इतिहास में बीए की डिग्री लेनी है। मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ भीड़ के सामने 4-5 मिनट तक लगातार भाषण दे सकूं। धन्यवाद। क्या हम कुछ संभावनाओं पर ध्यान दें? विशिष्ट और स्पष्ट, मापने वाले, साध्य, वास्तविक लक्ष्य। मुझे राजस्थान के दो लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने हैं।
मुझे इतिहास में बीए की डिग्री लेनी है, मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ भीड़ के सामने 4-5 मिनट तक लगातार भाषण दे सकूं। विशिष्ट और स्पष्ट, मापने वाले, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध लक्ष्य। मुझे एक साल में राजस्थान के 2 लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने हैं। स्कूल से पास होने के बाद 3 सालों में मुझे इतिहास में बीए की डिग्री लेनी है। करीब 3 महीनों में मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ भीड़ के सामने 4-5 मिनट तक लगातार भाषण दे सकूं। क्या आप अपना विशिष्ट और स्पष्ट, मापा जाने वाला, साध्य, वास्तविक और समयबद्ध लक्ष्य लिखकर सबको इसके बारे में बता सकते हैं? हमें इससे क्या सीख मिली? हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो स्पेसिफिक, विशिष्ट और स्पष्ट हो, मेजरेबल, मापे जा सके, अचीवेबल, साध्य हो, रियलिस्टिक और रिवॉर्डिंग, वास्तविक हो, टाइम बाउंड, समयबद्ध हो। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अपने लिए स्मार्ट लक्ष्य बनाने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। मैं दोहराती हूं, हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो स्पेसिफिक, विशिष्ट और स्पष्ट हो, मेजरेबल, मापे जा सके, अचीवेबल, साध्य हो, रियलिस्टिक और रिवॉर्डिंग, वास्तविक हो, टाइम बाउंड, समयबद्ध हो। हमने सीखा कि लक्ष्य किन भागों में बटा होता है और उसे उचित तरीके से किस प्रकार लिखना चाहिए इत्यादि। अब हम देखेंगे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है। महेश अपने पिछड़े हुए गांव में साक्षरता की स्थिति सुधारना चाहता था। उसकी मेहनत से 5 सालों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई और स्नातक डिग्री लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। जब एक टीवी रिपोर्टर ने उसका साक्षात्कार लिया तो उसने कहा कि उसने एक लक्ष्य बनाया था जिसे पूरा करने के लिए उसने विस्तार से योजना बनाई थी। उसने दृढ़ता के साथ और व्यवस्थित तरीके से काम किया और अपना लक्ष्य प्राप्त किया। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग्यताएं, व्यवस्थित योजना, अनुशासित काम, दृढ़ता। स्मार्ट लक्ष्य तय करके उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो स्पेसिफिक, निश्चित हो, मेजरेबल, मापे जा सके, अचीवेबल, साध्य हो, रियलिस्टिक और रिवॉर्डिंग, वास्तविक हो, टाइम बाउंड, समयबद्ध हो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग्यताएं, व्यवस्थित योजना,
अनुशासित काम, दृढ़ता। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।